मनीषा रानी को मिल रही है एल्विश फैंस से गालियां। इस वजह से एल्विश फैंस कर रहे हैं मनीषा को ट्रोल। बिल क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मनीषा रानी झलक दिखला जा की विनर बन गई है। मनीषा रानी को फैंस से ज्यादा देखना चाहते हैं और ऐसे में जहां मनीषा के इतने चाहने वाले हैं तो वहीं अब मनीषा के कुछ हेटर्स भी सामने आ गए हैं और ये हेटर्स वही हैं जो कल तक मनीषा को फुल ऑन सपोर्ट कर रहे थे। जी हाँ, ये एल्विश आर्मी है जो अब मनीषा रानी को खूब गंदी गंदी गालियां देता नजर आ रहा है। मनीषा के पोस्ट पर जाकर उन्हें काफी उल्टा सीधा बोलता दिख रहा है। तो आइए बताते हैं कि आखिर पूरी बात क्या है। दरअसल एल्विश यादव पिछले कुछ दिनों पहले एक कंट्रोवर्सी में फंसे थे। एक यूट्यूबर का वीडियो खूब वायरल हुआ था जिसमें एल्विश यादव उसकी पिटाई करते नजर आए थे और उस यूट्यूबर ने एल्विश यादव के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी दर्ज कर दिया था। अब इसे लेकर एल्विश यादव काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। एल्विश यादव के अगेंस्ट कई यूट्यूबर आ गए थे और कई लोगों ने एल्विश यादव को अनफॉलो कर दिया था और जिसकी वजह से एल्विश यादव की जो फैन फॉलोइंग है सोशल मीडिया पे वो काफ़ी कम हो गई थी। और इसी बीच मनीषा रानी ने भी एल्विश को अनफॉलो किया था और जिसके बाद एल्विश यादव काफ़ी भड़क गए थे और उन्होंने भी बदले में मनीषा को अनफॉलो कर दिया। अब जब मनीषा ने एल्विश को अनफॉलो किया तो उसके बाद एल्विश का इस पर रिएक्शन भी आया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बिना समझे बिना जाने मुझे अनफॉलो कर रहे हैं जबकि उन्हें पूरी बात भी नहीं पता कि आखिर क्या हुआ था और जो लोग मुझे अनफॉलो कर रहे हैं वो मेरे कभी अपने थे ही नहीं। ये बात एल्विश यादव ने बोली जो कि सीधे तौर पर मनीषा रानी के लिए था क्योंकि जैसे ही मनीषा ने अनफॉलो किया एल्विश यादव को एक तरीके से नैरेटिव सेट हो गया कि मनीषा ने आखिर एल्विश को अनफॉलो कर दिया है, मतलब कि एल्विश बहुत बुरा इंसान है। तभी मनीषा ने भी एल्विश को अनफॉलो किया और उस वक्त एल्विश यादव काफ़ी परेशान थे। वो अपने दोस्तों से और अपने फैंस से अपने लिए सपोर्ट की अपील करते नजर आए थे और अब जो एल्विश की आर्मी है वो अब मनीषा रानी को खूब ट्रोल कर रही है और काफ़ी उल्टा सीधा बोल रही है। दरअसल एल्विश यादव का जो ये मैटर था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। एल्विश यादव का ये मैटर सॉल्व हो गया और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, एक साथ फ़ोटो इनकी वायरल हुई और इन दोनों ने लाइव आकर कह दिया कि अब हम दोनों के बीच में भाईचारा है और जो भी गिले शिकवे थे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो सब क्लियर हो गई है। उसके बाद से एल्विश की जो आर्मी है वो मनीषा को ट्रोल करने लगी और मनीषा को काफी उल्टा सीधा बोलने लगी। वेल, मनीषा को लेकर एल्विश आर्मी तो यही बोलती नजर आई है कि उन्होंने अपनी दोस्ती नहीं दिखाई, बुरे वक्त में एल्विश का साथ नहीं दिया। पर एल्विश आर्मी उस वक्त कहाँ थे जब मनीषा को भी एल्विश की ज़रूरत थी और उस वक्त एल्विश ने भी मनीषा का साथ नहीं दिया। मनीषा के लिए तो कुछ भी नहीं कहा और मनीषा को बधाई भी दी तो वो भी अपने ऐप को प्रमोट करने के लिए। तो इस तरीके से जब एल्विश ने मनीषा के साथ किया तो मनीषा भी अब एल्विश यादव से एक तरीके से दूरी बना रही हैं और आए दिन मीडिया उनसे सवाल एल्विश यादव को लेकर करती है जिसकी वजह से उन्हें जवाब भी देना पड़ता है और वो नहीं चाहती हैं कि कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। इस वजह से मनीषा रानी ने भी अब एल्विश यादव से दूरी बनाना ही बेहतर समझा। क्या कहना है आपका इस रिपोर्ट पर और क्या आपको भी लगता है कि मनीषा रानी ने गलत समय पर एल्विश का साथ छोड़ा और उन्हें अनफॉलो नहीं करना चाहिए था? हमें कॉमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं।